जब हम फसल लेते हैं, कौन मेरे लेते हैं, रेत लेते हैं, कपूर लेते हैं, पाई लेते हैं, जो कुछ क्रॉप लेते हैं, जब टैंकिंग करते हैं तो किस दिशा में करनी चाहिए, अंतर रखना है तो किस दिशा में अंतर रखना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ द लैंग्वेज। हमने देखा कि पर स्क्वेयर फीट वन डे 12.5 किलो कैलोरी, टारगेट है 164 किलो कैलोरी पर एकड़। इसका मतलब है अगर ये हमारा कपो का पत्ता है 1 square feet 12.5 यहां 12.5 यहां 12.5 यानी जितने पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़ेगी उतना ही ज्यादा उत्पादन, उतनी ज्यादा सूर्य की शक्ति हम ग्रहण कर सकते हैं। इसका मतलब है हर पत्तों पर सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए, प्लांटेशन ऐसा होना चाहिए कि हर पत्ते पर सूरज की रोशनी पड़नी चाहिए। जब 1 square feet पर एक दिन में 12.5 किलो कैलोरी सूरज की रोशनी मिलती है तब हमें 1.5 ग्राम क्या मिलते हैं, ग्रेन मिलते हैं, 2.25 ग्राम कनेज मिलता है। इसका मतलब है यहां 1.5 इसका मतलब है पत्तों पर जितनी रोशनी पड़ेगी, जितने पत्तों पर रोशनी पड़ेगी उतना ही प्रोडक्शन। हाउ मच स्पेसिंग शुड बी बिटवीन टू लाइन, हाउ मच स्पेसिंग should be between two plants, it depends upon how much solar energy we can consume. दो लाइन के बीच कितना अंतर हो, दो प्लांट के बीच कितना अंतर हो, यह किससे संबंधित है, इसके द्वारा जितना ज्यादा सूर्य प्रकाश सूरज की रोशनी अंदर आकर हर पत्ते पर कैसे पड़ती है, इस तरह से ये मुख्य नजर रखते हुए हमें अंतर रखना है। हम बड़े भाग्यवान है कि हमारे भारतवर्ष में सूरज एक साल में एक वर्ष में दो बार हमारे माथे पर से जाता है, बहुत सूरज रोशनी हमें भरपूर मिलती है। इस सौभाग्य का उपयोग हम हमारे उत्पादन बढ़ाने में कैसे कैश करें यह हमें देखना है। भारतीय लोग सूरज एक साल में एक चक्कर लगाता है। सूरज क्या करता है, सन क्या करता है, एक साल में एक पूरा चक्कर लगाता है ना। सूरज कैसा घूमता है, चक्राकार घूमता है, पृथ्वी के इधर सूरज कैसा घूमता है, चक्राकार घूमता है और एक साल में एक चक्कर लगाता है, सही बात है ना, लगाकर घूमता है। वास्तव में पृथ्वी घूमती है, वास्तव में पृथ्वी घूमती है, लेकिन हम बोल रहे ठीक है, हमें जो दिखाई देता है वो सकते हैं, नहीं दिखाई देता वो खा सकते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि सूरज घूमता है। तो कितनी दिशाएं हैं, कितनी, आठ, चार और आठ और दस और मैंने हंसता हंसते दस दिशाएं है, दस दिशाएं है, लेकिन ग्यारह की दिशा है, यानी 11 डायरेक्शन, दैट इज सुसाइड ऑफ द फार्मर। सूरज जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ निकल पड़ता है, सूरज पूरब से जब पश्चिम की तरफ निकल पड़ता है तो सीधा नहीं जाता, वो पहले क्या करता है, ईस्ट से साउथ जाता है, पहले 3 महीने क्या करता है, 3 मंथ ईस्ट से साउथ जाता है और बाद में साउथ से वेस्ट जाता है। सूरज की ईस्ट से वेस्ट तरफ जाने की दक्षिण दिशा के बाजू में जाने की भ्रमण कक्षा को दक्षिणायन कहते हैं, दक्षिणायन दिशा।
southern the Dalish. अरे दक्षिणायन कब चालू होता है? 21 जून. दक्षिणायन कब चालू होता है? 21 जून टू 20 दिसंबर. दक्षिणायन काल कौन सा है? 21 जून टू 28 दिसंबर. मानसून ये काल कौन सा है? मानसून काल है, यानी बारिश का काल है, और बारिश में ही हमारे फसलें बढ़ते हैं, यानी दक्षिणायन काल में हमारी फसलें बढ़ते हैं, हमारे काम बढ़ते हैं. पश्चिम दिशा से पूरब की तरफ आता है, निकलता है, जब दक्षिण पश्चिम दिशा से पूरब की तरफ निकलता है तो पहले 3 महीने नॉर्थ की तरफ जाता है, उत्तरी दिशा की तरफ, और बाद में 3 महीने उत्तर से ईस्ट की उत्तर पूरब की तरफ आता है. सूर्य के 6 महीने के उत्तर दिशा के बाजू में भ्रमण कक्षा को कहते हैं उत्तरायना. उत्तरायना पथ दिसंबर. दक्षिणायन और उत्तरायन का जो संधि काल है, दक्षिणायन और उत्तरायन का जो संधि काल है वो है 21 दिसंबर टू 13 जनवरी. 21 दिसंबर टू 13 जनवरी ये संधि काल है, उत्तरायण दक्षिणायन का संधि काल है. और उत्तरायण कब चालू होता है? 14 जनवरी को, यानी संक्रांति के दिन उत्तरायण चालू होता है, और समाप्त कब होता है? 19 दिसंबर. संक्रांति के दिन 14 जनवरी को जब असल में उत्तरायण चालू होता है तो ठंड काल चालू होता है, और ठंड काल चालू होने से हमें कफ का विकार होता है. कफ मीन्स कफ विकार होता है, यानी सर्दी होती है, कफ होता है, और वो कफ रोकने के लिए एक औषधि है, उसका नाम है किली. किली मीन्स किली को अगर किली और बेला का मिलाप हो जाए और वो खाया जाए तो कफ अपने आप भाग जाता है. इसलिए संक्रांति के दिन क्या किया जाता है? इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति और धार्मिक उत्सव के बीच जो हम उत्सव मनाते हैं, सन मनाते हैं, उसके पीछे पूरी शास्त्रीयता है, पूरी वैज्ञानिकता है, टोटल साइंस. लेकिन हमारे बुद्धिवादी खुद को इंटेलिजेंट कहते हैं, इसका अभ्यास नहीं करते, दिमाग में कोई भी लड़ाइया लड़ते रहते. भारत साथियों, श्री गणेश जी के माथे पर गुलाब का फूल ही लाल फूल क्यों डालना है? जासवंत का फूल जो लाल होता है, जासवंत क्या कहते हैं, जासवंत उसका ही फूल क्यों चढ़ाना चाहिए? इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे विज्ञान साइंस. गणेश जी बुद्धि देवता है, बुद्धि के देवता है, और बुद्धि का संबंध हमारे बिंदु से होता है. ऐसे होता है, मेंदु से होता है. अगर ये आप कोठे की उष्णता अगर मेंदु में जाती है तो मेंदु दाह होता है, और मेंदु दाह होता है तो पागल की तरह गड़ता जाती है, और मेंदु दाह की शमन करने की ताकत ये जासवंत के अर्थ में है, गुलाब के अर्थ में. अगर आप कोकोनट के ऑयल में ये जासवंत के फूल डालोगे, गुलाब के फूल डालोगे, 7 दिन रखोगे, बाद में छान कर अगर लगाओगे तो ये सफेद बाल काले होंगे और आपको शांति मिलेगी. विज्ञान आप ऐसे नहीं करोगे, आप जासवंत वैसा नहीं लगाओगे, बढ़ाओगे गुलाब वैसे नहीं लगाओगे, इसलिए आपको बताया गया कि आप गुलाब काय पर चढ़ो, गणेश जी के माथे पर चढ़ो, ताकि आप गुलाब तो लगाओ अपने खेत में, अपने घर में आप इस्तेमाल नहीं करोगे, लेकिन इस्तेमाल तो भूल गए और चढ़ावा केवल. सावन महीने में शंकर जी के पिंडी पर आप क्या चढ़ाते हैं? बेल बिल्व पत्र चढ़ाते हैं. बिल्व पत्र क्यों चढ़ाना है? साइंस है, विज्ञान है. सावन महीने में बारिश काल में महामारी आती है, कॉलरा पेट के विकार ज्यादा होते हैं, और बिल्व पत्र में बेल में ऐसा अद्भुत गुण है, अगर उस बेल पत्रों का आप नील पियोगे या बिल्व बेल का आप जो जूस पियोगे तो आपके ये पेट के विकार सब दुरुस्त हो जाते हैं, कॉलरा भी भाग जाता है. इसलिए बिल्व पत्र पानी में रखना चाहिए नील में, और वो नील से लेने से पेट में औषध जाता है, मेडिसिन जाता है, आपका पेट दुरुस्त होता है. विज्ञान है.
आप ऐसा नहीं मांगोगे बिलो वेट को आपको लगाना ही है, तो इसलिए ये महाजन जी को पीछे लगाना पड़ा आपको। विज्ञान है भाई, विज्ञान है। साथियों, वर्षा ऋतु वास प्रदान होता है, वर्षा ऋतु वास प्रदान होता है, जाड़े के दिन में कफ प्रदान होते हैं, और धूप काल में क्या होता है, पित्त प्रदान होता है। पित्त नष्ट करने की क्षमता ये नीम पत्तों में है। तो गुड़ी पाड़वा, गुड़ी पाड़वा से क्या कर होता है, धूप का दल होता है। तो गुड़ी पाड़वे के दिन पूरे भारतवर्ष में नीम की पत्तियां खाई जाती है, और नीम के पत्तों के नीम से स्नान किया जाता है, ताकि आपके पित्त प्रदान प्रवृत्ति को अच्छी तरह से यूटिलाइज करे, तो उसको एक यूनिवर्सिटी में लाए। इसके भी क्या है, तो ये बुद्धिवादी क्या करेंगे, ये क्या बात हो गया, ऐसा नहीं है। विज्ञान है, विज्ञान समझना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, तब प्रतिक्रिया देना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए। सूरज की रोशनी का ठेठ संबंध जैसे ग्राफ से फसलों से, उसी तरह हमारे स्वास्थ्य से है। सूरज जैसे जैसे घूमता है, वैसे वैसे हमारी प्रवृत्तियां और हमारे स्वास्थ्य की प्रवृत्तियां बदलती रहती है। फसलों पर कैसा पड़ना होता है, ये ईस्ट से वेस्ट तक यानी पूर्व से पश्चिम के तरफ जब जाता है, छह महीने वो दक्षिणांत की तरफ होता है। यानी रोशनी कहां से आती है, साउथ से आती है ना, दक्षिण दिशा से आती है। अगर हम पूर्व पश्चिम पहुंचे हैं, प्लानिंग कैसा करते हैं, पूर्व पश्चिम, यहां कबो यहां कबो यहां कबो यहां कबो यहां बाड़े यहां बाड़े यहां बाड़े ऐसा लगाया, और बीस का अंतर, ज्यादा अंतर, बेल्ट कहां का, बीस वेस्ट तक का पूर्व पश्चिम, तो क्या होगा, सुबह सूरज की रोशनी ऐसी पड़ेगी, क्योंकि दक्षिण भाग से रोशनी आती है, दक्षिण दिशा से, दोपहर को ऐसी पड़ेगी और सायंकाल को इस तरह से पड़ेगी। लेकिन किस तरह से पत्तों, ये बाजू के पत्ते को ज्यादा रोशनी मिलेगी, लेकिन उसकी छाव कहां पड़ेगी, इस बाजू के पत्तों पर छाव पड़ेगी, कम रोशनी पड़ेगी, यानी कम रोशनी पड़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब है इसमें पूर्व पश्चिम दिशा नहीं चाहिए। अगर हम दक्षिणोत्तर लेते हैं, साउथ नॉर्थ दिशा लेते हैं, यानी ये बेल्ट कहां रहेगा, साउथ और नॉर्थ के बीच बेल्ट रहता है, और वेस्ट और ईस्ट के बीच क्या प्लांटेशन है, कब्बों का, बाड़े का, किसी फलों का, हॉर्टिकल्चर का, अगर इस तरह प्लांटेशन किया तो क्या होगा, सवेरे दक्षिण दिशा के इस बाजू में सूरज की रोशनी पड़ेगी, दोपहर को ऐसे बीच में पड़ेगी, और सायंकाल को पूरी रोशनी इस बाजू में पड़ेगी, यानी दोनों दिशा में सूरज की रोशनी समान स्तर में मिलेगी, यानी हर पत्तों को क्या मिलेगी, सूरज की रोशनी मिलेगी, उत्पादन बढ़ेगा घटेगा, इसका मतलब है साउथ नॉर्थ साउथ दिशा चाहिए, नॉर्थ दिशा चाहिए, हमने देखा। लेकिन प्रकृति को यह मान्य नहीं है, निसर्गों को यह मान्य नहीं है। निसर्ग क्या बोलता है, 100% अगर सही दिशा है तो नैऋत्य दिशा नहीं है, क्या बोलता है, क्या बोलता है, नैऋत्य मानसून जिस दिशा से आता है वो मेरी दिशा, नैऋत्य मानसून जिस दिशा से आता है वो मेरी दिशा, यानी नैऋत्य दिशा नहीं, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट। लेकिन हमारे खेत कैसे होते हैं, चौरसा कुछ होते हैं या समभुज होते हैं, अगर आप ऐसी दिशा में प्लांटिंग करोगे तो पहली लाइन 5 फीट की, दूसरी 50 फीट की, बीच में 500 फीट की, अगर आपको कल्टीवेशन करना है, घूमना है, ऐसा सब कुछ करना है तो ज्यादा दिक्कत आएगी, है ना, दिक्कत आएगी। तो ये दिशा साउथ साउथ नॉर्थ साउथ दिशा अच्छी है, अगर हो सके तो ये दिशा बहुत अच्छी है, नैऋत्य दिशा साउथ वेस्ट नॉर्थ। सिंध संस्कृति का या मेसोपोटामियन संस्कृति का या ग्रीक संस्कृति का या लैटिन अमेरिकी की इंडस और माया संस्कृति का अभ्यास करते हुए हमें दिखाई देता है कि 7000 साल पहले स्थापत्य विज्ञान कैसे विकसित हुआ, नगरों का जो महानगर बसाए जाते थे तो उसका अभ्यास करने के बाद दिखाई दिया देता है कि उनका जो रोड होते थे, रोड रस्ते, वो नैऋत्य दिशा में होते थे। अब कैसे स्मेल है, उसको स्मेल नहीं थे, नैऋत्य दिशा, क्योंकि सूरज की रोशनी ज्यादा से ज्यादा कहां मिले, हर ग्रह में मिले। लेकिन अब तो स्थापत्य विज्ञान बहुत विकसित हुआ है और निसर्ग के खिलाफ बात चल रही है।
सिंधु साथियों, ये तो हुआ कि नैऋत्य ईशान की दिशा इज द बेस्ट टॉप मोस्ट डायरेक्शन। लेकिन अगर आपके खेत की ढलान ज्यादा है, ढलान तो उतार होते ना, ढला ज्यादा है तो सुपीक मिट्टी जो है ह्यूमस पानी के साथ नहीं बहना चाहिए। तो अगर ढला ज्यादा है तो दिशा कौन सी भी हो, ढलान के विपरीत आपको प्लांटेशन करना है, ढलान के विरुद्ध दिशा में प्लांटेशन करना है, ताकि ये सुपीक मिट्टी बहकर नहीं जाए और पानी नील भूमि में ज्यादा डिपॉजिट हो।